खबर इंडिया 7। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वैसे तो पीएम मोदी पर जमकर वार कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। राहुल गांधी ने हिमाचल में जनसभा को संबोधित करते हुए नोटबंदी पर बड़ा खुलासा किया। राहुल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नोटबंदी कर रहे थे तो उससे पहले पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को अपने सरकारी आवास में कैद कर लिया था। एक बार सुनी राहुल गांधी नोटबंदी पर किस तरीके से बड़ा खुलासा कर रहे हैं। नोटबंदी कर दी, पता नहीं मालूम है नहीं मालूम आपको, नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट को नोटबंदी के समय रेस कोर्स रोड में ताले से बंद किया था। सच्चाई है, एसपीजी वाले मेरी भी सिक्योरिटी करते हैं, इन्होंने बताया मुझे कि आप जानते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से पहले अपने पूरे कैबिनेट को ताले से बंद किया। आप सोचिए, हिंदुस्तान, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, पारिकर। तो सुना आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने ये बात कही कि मोदी ने नोटबंदी से पहले अपने सभी मंत्रियों को अपने घर में कैद कर लिया था। राहुल ने ये बात भी बताई कि एसपीजी उनकी सुरक्षा करती है और एसपीजी ने ही उन्हें जानकारी दी है। अब राहुल की ये बात कितनी सच है ये तो राहुल और एसपीजी ही बता सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार पर और उनके मंत्रियों पर ये खुलासा काफी कुछ बयां कर रहा है। इस खबर में बस इतना ही। खबर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को अधिक खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।